विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी जो दावेदार हैं वो पार्टी आला कमान के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। पंजाब केसरी पर आज हमारे साथ हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के नेता योगेंद्र सहरावत, जो लंबे समय से पार्टी से के साथ जो कार्यक्रमों में जाते रहे हैं, लोगों को भी जाते हैं, किस तरह की तैयारियां जानते हैं। स्वागत करते हैं आपका पंजाब केसरी पर। दिनेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपके पंजाब केसरी चैनल का स्वागत करता हूँ और आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं आपके चैनल को बहुत देखता हूं कि आप हमेशा इलाके की बातों को बहुत अच्छे ढंग से उठाते हो। इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। पहला सवाल, किस तरह की चुनावी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि भाजपा की कहें तो जो है मौजूदा विधायक प्रवीण डागर हैं, केर सिंह रावत भी टिकट मांग रहे हैं, आप भी टिकट मांग रहे हैं और भी जो है दावेदारी कर रहे हैं, किस तरह की कितनी मजबूती मानते हो अपनी दावेदारी? दिनेश भाई, ये लोकतंत्र है, इसमें सबको टिकट मांगने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में भाई हमारे जो विधायक हैं प्रवीण डागर जी, ठीक है, वो भी टिकट मांग रहे हैं और हम भी आपके बीच में टिकट मांग रहे हैं और केहर सिंह जी भी वो भी टिकट मांग रहे हैं और भाई हैं जो अपने वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो सबको टिकट मांगने का अधिकार है और जहां तक है अपनी दावेदारी की तो मेरी बहुत मजबूत दावेदारी है। दिनेश भाई, हम तो इतना ही कहेंगे कि पिताजी सन 1968 में लोगों ने बड़े प्यार से मान सम्मान के साथ आजाद होते हुए विधायक बनाया और उन्होंने उसमें अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम किए। आप भी जानते हो, चाहे हथीन में बिजली, पानी, सड़क, अनाज मंडी की बात हो और अपने रेस्ट हाउस की बात हो, तहसील लाने की बात हो, जितने भी सारे विकास कार्य हैं, मेरे ख्याल से चौधरी हेमराज जी ने कराए थे। वो मेरे पिता चौधरी हेमराज जी ने कराए और आज तक लोग उन विकास कार्यों को भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि उसके बाद हथीन में बहुत कम विकास कार्य हुए हैं और आज हमारी पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आज नायब सिंह सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोनों ही कार्यकालों में आप देख रहे हो, पहले मनोहर लाल जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें लाकर प्रदेश का विकास कार्य कराया, चाहे किसी भी क्षेत्र में लगा लो, और आज नायब सिंह सैनी जी हैं, आप देख रहे हो, इतना वक्त लोगों के बीच दे रहे हैं और हर क्षेत्र में इतना अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इसमें नहीं समझता कि कोई टिक पाएगा। तीसरी बार भी आने वाली भाजपा सरकार है और जहां तक विकास कार्यों को अगर मैं गिनाऊं तो आप देखो कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारे गांवों में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग स्कूलों की बनी है। आप, मैं अपने गांव से कहता हूं, गहलम के अंदर 6-6.5 करोड़ की बिल्डिंग बनी है, फिरनी गांव की फिरनी है, उनमें बहुत अच्छा कार्य हुआ है, सारी पक्की हुई है, गांव की सड़कें हैं, हर बिरादरी की जो चौपाल है उसको पक्का करने का काम किया गया है। आप शमशानों को जाकर देखिए, वो बहुत अच्छे तरह से मेंटेन किए गए हैं, मतलब। और जहां तक, लेकिन हर गांव में ऐसा नहीं है, हो सकता है कहीं रह गया हो, हो सकता है उसके जो प्रोजेक्ट होगा पाइपलाइन में होगा, कहीं ना कहीं कोई बात रही होगी। नहीं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई पक्षपात नहीं किया, हर जगह आप देखिए, हर जगह चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी पिछले तीसरी टर्म चल रही है उनकी, उन्होंने किसी गांव को नहीं छोड़ा, हर गांव में उन्होंने विजिट की, हर गांव में जाने के बाद लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं को निदान करते तुरंत एक्शन लेते हैं वो, और उन्होंने करोड़ों करोड़ों की सौगात हर गांवों को दी है। और आप हमेशा से पहुंचते हो और देखते हो कि आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने आज भी कितने ही करोड़ों रुपए के कार्य हर गांव में चले हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कहीं कोई कमी हो, और थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई है तो आप और हम सब मिलके उनको, वो पाइपलाइन में चली हुई है और वो जल्दी ही दूर हो जाएंगी। आपने कहा कि तीसरी बार है जब है सरकार बनेगी भाजपा की, क्या हो सकता है दूसरी बार कमल का फूल खिलेगा हथीन में? बिल्कुल, 100% खिलेगा। जहां हमारे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नायब सिंह सैनी जी हैं, उनकी स्कीमें हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो पूरी वर्ल्ड ग्लोबल लीडर है, इतनी भारतीय जनता पार्टी के आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार बने हैं, वो लोगों के दिलों में राज करते हैं। हमारे जो लीडर हैं, उनकी जो स्कीमें हैं, उनकी जो सोच है, इतनी अच्छी और उच्च कोटि की है कि वो दिलों पर राज करते हैं, लोग बड़े उनसे उनका इशारा समझते हैं, थोड़ा सा इशारा
आप देखिए पिछले जब भी कभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब भी कोई आह्वान किया, देश एक उस पे खड़ा हो जाता है, जिस काम के लिए कहते हैं उसी पे। तो ये एक उनकी पकड़ है, एक उनकी सोच अच्छी है, देश उन्हें चाहता है, तभी तो वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। बात करें शेरावत पाल की जी, शरद पाल कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है। पिछली बार प्रवीण डागर का जब पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ, प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय जल कृषि मंत्री वहां भी थे, वहां विरोध हुआ, बिजली पानी सड़क को लेकर काफी समस्याएं हैं। क्या अगर आपको पार्टी मौका देती है तो पाल पूरी तरह से राजी हो जाएगी आपके लिए? हाँ बिल्कुल दिनेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब पिताजी विधायक बनाए चौधरी हेमराज जी, तब भी पाल ने एक मुस्त होकर वोट दिया था, और आज भी वही दोबारा से दौर दोहराया जा रहा है। बच्चा बच्चा बिल्कुल पाल का, शेरावत पाल का प्यार है। और जहां तक हमारी पालों के संगम की बात है, तीनों पालों का बहुत अच्छा संगम है, हमारी आपस में रिश्तेदारियां हैं भाई। जहां तक शेरावत डागर और रावत पाल तीनों का अच्छा संगम है बहुत। लेकिन बात करें पिछले चुनावों को दोहराएं तो जब पिनेलो से केर सिंह रावत थे जी, तो उनको समर्थन दिया था डागर पाल ने, शेरावत ने समर्थन दिया, वो चुनाव जीत गए। पिछली बार प्रवीण डागर जो है चुनाव लड़े 19 को चुनाव जी, तो प्रवीण डागर को रावत पाल का समर्थन मिला, शेरावत वो भी चुनाव जीत गए। बिल्कुल, क्या ये दोनों पाल हैं, क्या शेरावत पाल को भी समर्थन दे सकती हैं अगर आपको टिकट मिली तो, ऐसा होगा कुछ? बिल्कुल दिनेश जी, 100% समर्थन मिलेगा, क्योंकि हमारा जो आपस का जो प्यार है, जो रिश्तेदारियां हैं, वो हमको एक दूसरे से ऐसे बांधे हुए हैं कि हम एक दूसरे को नहीं अलग हो सकते। क्योंकि जब भी कभी ऐसा मौका आता है, चाहे कोई धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, हम हर एक कार्य में एक दूसरे का साथ देते हैं। जब हमने उनका साथ दिया है तो हमें 100% विश्वास है वो हमारा साथ देंगे। और इस बार पार्टी में हमने ये बिल्कुल अपनी बात रखी है, और हमें पूरा यकीन है पार्टी हमारी इस बात पर नजर रखेगी, और अवश्य इस बार हमें पार्टी मौका देगी। और हम अगर ये मौका मिलता है, और हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि दोनों पाल, डागर पाल भी और रावत पाल भी, और हमारा तीसरा जो पाल है तेवतीय पाल, उनका भी एक गांव कोंडल है, हमारा भाई भाईचारा है, आपस में हम मिलजुल कर रहते हैं, उनका पूरा अटूट समर्थन मिलता है। और जहां तक मेवात की बात है, हमारे हथीन शहर की बात है, आप देखिए दिनेश जी, हथीन शहर इतना बड़ा हमारे साथ जुड़कर रहता है, किसी भी क्षेत्र में लगा लो, हथीन शहर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। आज भी आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आज अगर शेरावत पाल को टिकट मिलता है और हमें मौका मिलता है, पार्टी हमें अपना नुमाइंदा बनाती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हथीन और आसपास के सब गांवों का और हमारी पालों के साथ, और मैं तो ये कहता हूं कि मुस्लिम भाइयों का भी बहुत जबरदस्त प्यार मिलेगा, और हम बिल्कुल एक तरफा जीत के आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, हमने देखा आप लगातार किशनपाल गुर्जर जी मंत्री हैं, उनकी हाजिर लगाते रहे, जब भी वो पल बुलाते थे आप साथ दिखते हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल, आदरणीय चौधरी किशनपाल गुर्जर जी हमारे लीडर हैं, इसमें क्या बात है, और वो हमेशा हर कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़कर चलते हैं, गांव-गांव में हर गांव के सरपंच, मेंबर, नंबरदार, वन सरपंच, छोटा छोटा कार्यकर्ता भी उनको, उन्हें वो गले लगा कर रखते हैं, हर कार्यकर्ता को बाय नेम बुलाते हैं, हर कार्यकर्ता का मान सम्मान करते हैं, तो इसमें कोई दोराय नहीं, हम आदरणीय चौधरी किशनपाल। आजकल देखा जा रहा है कि जो क्षेत्र में नेता कम दिख रहे हैं, दिल्ली दरबार में, पार्टी लखनऊ में ज्यादा हाजिरी है, तो आप भी हाजिरी लगा रहे हैं लगातार? तो क्षेत्र में तो रहना ही होता है, लेकिन अब टिकट का दौर, इलेक्शन नजदीक है, आप जानते हो कि इलेक्शन का भाई बिगुल बज चुका है, डेट फाइनल हो चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उसमें तो अपने हर आदमी का फर्ज बनता है कि भाई अब जब हम अपने आला जो हमारे लीडर हैं, उनके पास तो हमारा जाना ही रहे, जाना आना रहेगा, जो हमारे लीडर हैं, चाहे हमारे आदरणीय विप्लव देव जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, सुरेंद्र पुनिया जी हैं, मनोहर लाल जी हैं, नायब सिंह सैनी जी हैं, मनोहर लाल अपने बड़ौली जी हैं, और अपने अध्यक्ष जी और अपने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, ये सारे हमारे इतने सुलझे हुए लीडर हैं, और ये मालिक हैं प्रदेश देश लेवल की, जो भी सारी स्कीमें लेके आए हैं, और उनका प्यार है हमारे सर पे, तो हम बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं, जब इलेक्शन का हो चुका तो हम जाएंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे। अगली बार जो है इनेलो और बसपा का गठबंधन हो गया है जी, तो कितना मजबूत मानते हैं इस गठबंधन को, बात प्रदेश की और बात करें हथीन विधानसभा क्षेत्र की? हमारे हथीन में इनेलो और बसपा का भी कोई इतना गठबंधन पूरे प्रदेश में देखिए, हथीन इस पार्टी से मुकाबला मानते हैं हथीन में? हमारा मुकाबला पूरे प्रदेश में कांग्रेस से है।
सीधा मुकाबला है, सीधा है बीजेपी का कांग्रेस से मुकाबला रहेगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप देखना देखना, क्योंकि अभी पिछली बार तो प्रवीण डागर मामूली वोटों से जीते थे, अब की बार क्या रहेगा अगर आपको मौका मिला तो, या किसी और? देखो जीत तो हमारी निश्चित है क्योंकि लोगों का प्यार ही इतना है और हमारी पार्टी ने काम किया है। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या काम आप तीन क्षेत्र में करना चाहते हैं जो मौजूदा विधायक से ना हुए हो, कौन से ऐसे काम है? देखो उन्होंने भी काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, काम तो सभी करता है। पार्टी ने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें लाए हैं, देखो आज बिना बिना खर्ची पर्ची के बच्चों को रोजगार मिल रहा है, और जहां तक हथीन को बाईपास देने का काम हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और नहरों को पक्का करने का काम जो आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने देश और प्रदेश की सरकार से इतना पैसा हमारे किसानों के लिए लगाया है, आप देख रहे हो सारी नहरों को पक्का करने का काम किया है, वो किसानों की जीवन रेखा है, और उन पर जर्जर हुए पुल जो अंग्रेजों के टाइम के थे उन सारे पुलों को पक्का करने का काम किया, नए सिरे से बनाने का जो काम किया है, उसके लिए मैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का और पूरी अपने देश और प्रदेश दोनों शीर्ष नेतृत्व का, दोनों अपनी जो लीडर है उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। उन्होंने किसानों को और MSP पर हमारे किसानों की फसल खरीदने का जो फैसला नायब सिंह सैनी जी ने लिया है। बात हथीन की करें, हथीन में क्या करना चाहते हैं आप? हथीन में विधायक बनने का मौका मिला तो? देखो हथीन में एक तो थोड़ा सा पीने के पानी की व्यवस्था गाँवों में जो है, मैं देखता हूँ गाँवों में जाता हूँ, वैसे तो हमारी सरकार रोज इसमें लगी हुई है, और जो हर घर जल नल पहुंचाने की योजना अभी तक पहुंची नहीं हथीन में। नहीं, काम तो चल रहा है बहुत तेजी से, और काम हुआ भी है इसमें, काफी हद तक हो गया, थोड़ी बहुत कहीं कभी कमी मिलती है, जैसे जाते हैं तो सुनने को मिलता है जी थोड़ा इस पे थोड़ा और ध्यान दिया जाए, तो उस पे जहां भी कोई छोटी मोटी पीने के पानी की है, चाहे नहरी पानी की है, कई बार नहरी पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने में कहीं कहीं कई बार अफसरों से भी गलती हो जाती है, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी सरकार अफसर की वजह से कोई ऐसी बात हो, तो उस चीज को दुरुस्त करेंगे। और जहां तक चिकित्सा की बात है, आज वैसे आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा चिकित्सक ऊपर काम चला हुआ है, लेकिन फिर रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, तीन रोजगार बहुत कम उपलब्ध है। देखो रोजगार में हमारा क्षेत्र तो पहले से ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो पिछले जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और बिना खर्ची और पर्ची के रोजगार देने की जो बात है वो इतनी अच्छी स्कीम है। पहले आप देखते थे कि भाई जिस जो पैसा लेके जाता था, पैसा देता था मंत्री MLA के, उनसे सिफारिश से नौकरी मिलती थी, तो जो गरीब का बच्चा पढ़ा लिखा होने के बावजूद पीछे रह जाता था। लेकिन आज आप देख रहे हो जब से आदरणीय मनोहर लाल खट्टर की सरकार हो चाहे नायब सिंह सैनी जी की सरकार हो, पिछले 10 साल से आप देख रहे हो बिना खर्ची पर्ची के जो रोजगार दिया जा रहा है। मैं खुद आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे गाँव में बिल्कुल पंचर लगाने वाला बच्चा जो जिसका पिताजी पिछले 25 साल से 30 साल से पंचर लगा के अपना गुजारा कर रहा था, उसके दोनों बेटे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना खर्ची पर्ची के, और उन दोनों बच्चों को रोजगार मिला। क्यों मिला है? उनकी काबिलियत थी, पढ़े लिखे थे, योग्यता के आधार पर। बिल्कुल योग्यता के आधार पर। लास्ट सवाल, अगर पार्टी ने अभी मौका नहीं दिया तो क्या करेंगे? किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, बगावत करेंगे या निर्दय लड़ेंगे? अब बगावत का तो मैटर नहीं बनता, हम तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है मजबूत, और हम बिल्कुल पार्टी के साथ है, और आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ है, नायब सिंह सैनी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, मनोहर लाल जी के साथ है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो, और मेरे ख्याल से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो पार्टी को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आज आप देखिए देश में अगर भारतीय जनता पार्टी भी देश का प्रधान नहीं कर पाएगी तो मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा, क्योंकि आज देश और प्रदेश में आप देख लो, आज दूसरे देशों में भी इतना बढ़िया देश का डंका बज रहा है, देश के दूसरे देश के राजा हमारे देश के राजा के पैर लेते हैं, जो आज वर्ल्ड शक्ति बने बैठे हैं वो भी इस इंतजार में रहते हैं कि भाई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमें टाइम दे, हमारे देश में आए, और तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आज की डेट में मतलब नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे सुलझा हुआ इंसान, उनसे अच्छा विकास करने वाला पार्टी चल रही है। नहीं नहीं, पार्टी में तो बहुत लीडर है, एक से एक है बढ़ के, लेकिन देखो पार्टी में शीर्ष नेतृत्व जो है, आज आप देखिए अमित शाह जी हैं, JP Nadda जी हैं, और अपने राजनाथ जी हैं, कितने ही गिनवाऊं आपको, गिन लो सारे मुख्यमंत्री, मतलब एक से एक बार, आपने आदित्यनाथ योगी जी हैं,
मतलब एक से एक बढ़ के लीडर, कितना इतनी फहरिस्त है, बहुत लंबी है। तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी कोई कमी हो, जाने का कहीं को सवाल नहीं, मतलब ही नहीं बनता। देश देश की जनता जो 36 बरादरी है वो बिल्कुल दिल से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। पंजाब की बात करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ योगेंद्र सहरावत जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और पूरी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें मौका देगी, और साथ ही उन्हें ये भी उम्मीद है कि पहले सहरावत पाल उनके साथ जुटेगी, उसके बाद रावत और डागर भी समर्थन देंगी और उनकी जीत भी निश्चित होगी। उन्होंने कहा कि जो है सरकार की तारीफ की है कि बहुत विकास कार्य हुए हैं, जो कहीं छोटी मोटी कमी रहेगी उन्हें अगली बार पूरा कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इन्हें लोग बसपा गठबंधन को यह समझना पड़ेगा, फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है प्रदेश में। हकीम से दिनेश कुमार, पंजाब प्रदेश। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।